हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेसन में स्केचिंग टूल्स के बारे में कुछ कमांड्स पढ़े थे। आज हम स्केचिंग टूल्स के कुछ और आगे के कमांड पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम स्केचिंग टूल्स के कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्या रह गई थी वो हम पढ़ लेते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको टाइप्स ऑफ स्केच, कितने टाइप्स के स्केचेस होते हैं। फ्रेंड्स, जब आप कोई स्केच ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये एक्चुअली क्या है कि ये ब्लू कलर का दिख रहा है। कभी कभी आप ब्लैक कलर का देखते हो, कभी येलो, कभी रेड कलर का देखोगे आप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। फ्रेंड्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केचेस, ओके, अंडर डिफाइंड स्केच, फुली डिफाइंड स्केच एंड ओवर डिफाइंड स्केच। ये तीन तरीके के स्केचेस मिलेंगे आपको। अंडर डिफाइंड स्केचेस क्या होते हैं? अंडर डिफाइंड स्केचेस के कलर जो होंगे हमारे ब्लू कलर के होंगे, फुली डिफाइंड स्केचेस के कलर जो होंगे ब्लैक कलर के होंगे, और ओवर डिफाइंड स्केचेस के कलर जो होंगे येलो एंड रेड कलर के होंगे, ठीक है। अंडर डिफाइंड स्केच क्या होता है, देखो आप, जब भी आपने कोई स्केच ड्रॉ किया, ठीक है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है। क्यों ब्लू कलर का दिख रहा है? क्योंकि इसका ना तो कोई पोजिशन फिक्स है एंड ना ही कोई डायमेंशन फिक्स है, दोनों में से कोई चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ वेरिएबल है, इसलिए अंडर डिफाइंड है। आप यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ अंडर डिफाइंड लिखा हुआ आएगा और नीचे भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब देखो, मैं इसको ड्रैग करके इसके ओरिजिन पर रख दे रहा हूँ, ठीक है, और ओरिजिन तो फिक्स होता है। तब देखो, अब इसको मैं अब फिर से ड्रैग करना चाहूँगा तो यहाँ ये ड्रैग नहीं होगा, कैन नॉट ड्रैग दैट सेलेक्टेड आइटम इज फिक्स, यहाँ पे वार्निंग शो करेगा, ठीक है। तो ये अब पोजीशन फिक्स हो गया, लेकिन फिर भी ये अंडर डिफाइंड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करो आप, यहाँ पर लिखा आ रहा अंडर डिफाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी डायमेंशनल फिक्स नहीं है। अब मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन फीड करूँगा, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस पर क्लिक करो आप, इधर लिखा हुआ आएगा फुली डिफाइंड स्केच, और यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा फुली डिफाइंड स्केच। मतलब इसका ना तो पोजीशन चेंज होगा ना ही डायमेंशन चेंज होगा, दोनों में से कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं है, अब दोनों ही फिक्स हो गई हैं, इसलिए फुली डिफाइंड हो चुका है, ओके। अब आता है ओवर डिफाइंड का। ओवर डिफाइंड क्या होता है कि बेसिकली जब भी आपने कोई स्केच ड्रॉ करिया और इसको फुली डिफाइंड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप इसको दोबारा डायमेंशन देना चाहते हो या दोबारा इसको फिक्स करना चाहते हो, तो कोई भी चीज़ हो, आप वो फुली डिफाइंड पहले ही सी है, लेकिन आप उसके ऊपर दोबारा वर्क करोगे वही चीज़ उसको फिक्स करने के लिए, तो क्या ओवर वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। जब ओवर वर्क कर रहे हो तो वो ओवर डिफाइंड हो रहा, तो ओवर डिफाइंड में बेसिकली आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ओवर डिफाइंड होगा, और ओवर डिफाइंड हमारा एरर होता है। कैसे? जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और यहाँ पे आ जाएगा मेक फिक्स, मैं इसको मैं दोबारा फिक्स करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो येलो येलो कलर का शो कर देगा, और यहाँ पे लिखेगा ओवर डिफाइंड, ठीक है। इस पर क्लिक करो, इधर भी लिखेगा ओवर डिफाइंड, ठीक है। मतलब ये ओवर डिफाइंड हो चुका है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क किया जा चुका है इसके ऊपर, ठीक है, और ये एरर होता है, ठीक है। हमें एरर बिल्कुल ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली एंड ओनली फुली डिफाइंड स्केच, ठीक है। अंडर डिफाइंड भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ड्राइंग बनाने के बाद लास्ट में अगर कोई एक आध लाइन अंडर डिफाइंड रह जाती है तो फिर इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे शुरू से ही फुली डिफाइंड करने के लिए कि हमारी सारी लाइन ब्लैक कलर में रहे, और उसके लिए हमारे पास यही तरीका है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके डायमेंशंस देते हुए चलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंडर डिफाइंड, फुली डिफाइंड एंड ओवर डिफाइंड यूज़ करेंगे, ओके। और फ्रेंड्स, एक और फंक्शन है कि इसका यूज़ हम फुली डिफाइंड का ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंडा यही है फुल डिफाइंड यूज़ करने का कि आगे जब भी आप वो कोई ड्राइंग बनाते हो तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर उसके ऊपर कोई सिमुलेशन ऑपरेशन करनी होती है, जैसे उसके ऊपर स्टैटिक एनालिसिस करनी होती है, या फिर इम्पैक्ट टेस्ट एनालिसिस करनी होगी, या फिर थर्मल एनालिसिस करनी होगी, तो क्या होगा कि जब भी आप उसके ऊपर लोड टेस्ट करोगे, लोड अप्लाई करोगे, और ऑब्जेक्ट आपका अंडर डिफाइंड है, ओके, ऑब्जेक्ट आपका अंडर डिफाइंड है, मतलब उसके स्केचेस अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं है, ओके, तो क्या होगा, वो उस पोजीशन पे आप लोड अप्लाई करोगे तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो पहले से फ्रैक्चर दिखा देगा, वो एरर शो कर देगा, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा वहाँ पे। इसलिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिमुलेशन करते हो, उसके ऊपर लोड टेस्ट एनालिसिस करते हो, तो इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट इज़ फुली डिफाइंड, ओके, ऑब्जेक्ट हमारा फुली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फुली डिफाइंड नहीं होगा तो एनालिसिस एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फुली डिफाइंड होते हुए चले, ओके। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में
इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम आपको और वीडियोस के और लेक्चर्स के बारे में बताएंगे और आपको स्केचिंग के टूल्स के और डिटेल में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।